तभी हमने डिस्कस किया सेक्स एक्सप्रेशन और कुछ ऐसे फैक्टर्स जो इसके सेक्स को प्रमोट करते हैं, ठीक है, प्रमोट या डिमोट कर सकते हैं सेक्स में, या फिर मेल का प्रमोशन हो, फीमेल का प्रमोशन हो, जिसको पिस्टुलेट या स्टेमेट प्रमोशन कह सकते हैं, ठीक है। तो सेक्स एक्सप्रेशन में हमने देखा मोनोसिस टाइप, पिस्टुलेट टाइप और सेक्स रिवर्टेंट टाइप, ठीक है, आईएसएफ टाइप। तो जो पिस्टुलेट है, पिस्टुलेट टाइप का जो एक्सप्रेशन इसका, उसमें मैकेनिज्म काम करते हैं, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, क्योंकि इसको थोड़ा समझने में आप अगर कंसिडरेशन यहाँ दिखाएंगे, ठीक है, तो इजीली समझ सकते हैं। थोड़ा सा फोकस करके इसको समझिए। जो पिस्टुलेट का एक्सप्रेशन है, ठीक है, पिस्टुलेट को इंश्योर करता है, उसमें तीन मैकेनिज्म काम करते हैं, ठीक है, इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले एक और भी लेते हैं। तीन मैकेनिज्म क्या है? एक तो है एन टाइप, एस टाइप और एनईएस टाइप। एनईएस टाइप, एन टाइप जो मैकेनिज्म है, इसमें ये रिसेसिव जीन गवर्निंग होता है, यानी एन टाइप का मैकेनिज्म जो पिस्टुलेट को इंश्योर करता है, इसमें रिसेसिव जीन गवर्निंग ये पूरा मैकेनिज्म होता है। यानी कह सकते हैं कि जो पिस्टुलेट है, फीमेल फ्लावर का इंश्योरेंस है, जो फीमेल फ्लावर को जो कंट्रोल करता है, या फिर कह सकते हैं कि फीमेलनेस इज कंट्रोल्ड बाय रिसेसिव जीन, ठीक है, इससे रिसेसिव जीन द्वारा कंट्रोल होता है, और इसमें डोमिनेंट और एपिस्टेटिक्स का इफेक्ट होता है। यानी जब इसमें डोमिनेंट और इसके एपिस्टेटिक्स का इंटरेक्शन होता है, एपिस्टेटिक्स क्या होता है, इंटरेक्शन बिटवीन इंट्रालेलिक जीन, ठीक है, तो डोमिनेंट और अन्य जीन का, डोमिनेंट इनटू डोमिनेंट का इंटरेक्शन होता है, हो सकता है डोमिनेंट इनटू एटिव का इंटरेक्शन होता है, एटिव इनटू एटिव का इंटरेक्शन हो सकता है, यानी इंटरेक्शन और डोमिनेंट दोनों इंश्योर करता है पिस्टिल फ्लावर को, या फिर कह सकते हैं फीमेलनेस इज कंट्रोल्ड बाय डोमिनेंट एंड एपिस्टेटिक्स इफेक्ट। इसमें क्या होता है एनी इस टाइप में, अब इसको हम डिटेल में भी देखेंगे। एनी इस टाइप में क्या होता है, एनी इस टाइप में रिसेसिव जीन प्लस आईएसएफ द्वारा, इंटरस्पर्स्ड जो स्टेमेट फ्लावर है, ये इन्वायरमेंट सेंसिटिव होता है, ठीक है, यानी ये रिसेसिव जीन प्लस इन्वायरमेंट सेंसिटिव आईएसएफ जीन, इन दोनों द्वारा कंट्रोल होगा, गवर्निंग होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं एन टाइप, फिर एस टाइप और एन एस टाइप डिस्कस करेंगे। यानी फीमेलनेस पिस्टुलेट के पीछे ये तीन प्रकार के मैकेनिज्म काम करते हैं, इसको डिटेल देखिए अभी क्लियर हो जाएगा। तो हेडिंग क्या होगा, हेडिंग हो सकता है पिस्टुलेट मैकेनिज्म, पिस्टुलेट मैकेनिज्म, पिस्टुलेट मैकेनिज्म इन कैस्टर। अब देखिए फर्स्ट मैकेनिज्म क्या है, एन टाइप मैकेनिज्म, एन टाइप मैकेनिज्म क्या होता है, सिंपल, गवर्न बाय रिसेसिव जीन, और यू कैन से फीमेलनेस इज कंट्रोल्ड बाय, फीमेलनेस इज पिस्टुलेट, फीमेलनेस इज कंट्रोल्ड बाय रिसेसिव जीन। अब इसके मैकेनिज्म को समझिए थोड़ा सा। जो फीमेलनेस है किसके द्वारा कंट्रोल्ड है, रिसेसिव जीन, यानी जब भी रिसेसिव जीन होगा, सिंपल मान लीजिए रिसेसिव जीन एस है, तो जब भी ये एस होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पिस्टुलेट फ्लावर होगा। तो इसका कंडीशन है, जब इससे इसका प्रोजनी जब होता है, पिस्टुलेट का प्रोजनी, वो सेग्रीगेट होता है 1:1 के रेशियो में, 1:1 के रेशियो में, इसको समझिए। अब सिंपल, ये पिस्टुलेट फ्लावर है, एन टाइप मैकेनिज्म काम कर रहा है, और पिस्टुलेट फ्लावर है, पिस्टुलेट फ्लावर यानी जितना भी फीमेल का पॉपुलेशन है वो क्या है, इस जीन, उस पूरे पॉपुलेशन में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, रिसेसिव जीन का। मान लीजिए हमारे पास पूरा फीमेल लाइन है, उसका जीन क्या है, रिसेसिव जीन, ये फीमेल लाइन है हमारा। अब इसका अपोजिट होगा मेल लाइन, यानी मेल लाइन में कैपिटल एस होगा, तभी तो मेल होगा, स्टेमेट फ्लावर होगा, तो ये सेल्फिंग तो होगा नहीं इसमें, क्योंकि फीमेल लाइन है, तो क्रॉसिंग होता है इसमें, क्रॉसिंग होगा तो किसी न किसी मेल लाइन से ही क्रॉसिंग होगा, इसमें जब क्रॉसिंग होगा तभी तो इसका नेक्स्ट पोजिशन नहीं होगा, तो ये किसी मेल लाइन से क्रॉस होगा, मेल का जीनोटाइप ये है, हेटेरोजाइगस, ठीक है। अब देखिए जब क्रॉस होगा
इसका प्रोजेनी क्या बनेगा? यहाँ से दो प्रकार के गैमेट बनेंगे, कैपिटल और स्मॉलेस्ट। यहाँ पे सिंगल टाइप के गैमेट बनेगा, ठीक है। तो प्रोजेनी क्या होंगे? कैपिटलस, स्मॉलेस्ट, 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 ठीक है। ये 1:1 के रेशियो में आपको प्रोजेनी मिलेंगे। और इसको ऐसे आप समझिए, वेरिएशन समझ में आया। तो ये मान लीजिए मेल है और ये फीमेल है, इसको बोलते हैं चकरबोर्ड। ऐसे समझ में आ रहा है? यहां से ये क्रॉस बनेगा और यहां से ये बनेगा, यहां से ये बनेगा, यहां से ये बनेगा। जीनोटिपिक और फेनोटिपिक दोनों रेशियो क्या हो गया? 1:1। यानी दो प्लांट जो होंगे वो मेल होंगे, यानी सिंपल मोनोसियस, सिंपल मोनोसियस, ठीक है। और दो प्लांट जो होंगे वो पिस्टिलेट होंगे, पिस्टिलेट, यानी जिसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर है। अब देखिए 2:2 = 1:1। अब क्या होगा? जब भी इसका प्रोजनी होगा, यानी हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करेंगे, तो हाइब्रिड सीड का जो हमारा लाइन लगा होगा उसमें जो प्रोजनी होगा, इसमें क्या हो जाएगा? सेग्रीगेट हो जाएंगे मोनोसियस में और पिस्टिलेट में। तो क्या करेंगे हम? मोनोसियस को डिस्कार्ड कर देंगे, रोग आउट कर देंगे। जब भी हमारा हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में फीमेल लाइन लगेगा, तो उसमें से क्या करेंगे? मोनोसियस को डिस्कार्ड करते जाएंगे। इस प्रकार के जो मोनोसियस फ्लावर होंगे उसको डिस्कार्ड करेंगे, तो हमारा पूरा पूरा फीमेल लाइन क्या हो जाएगा? पिस्टिलेट हो जाएगा, ठीक है। तो दो यहाँ पे हैशटैग होंगे, फर्स्ट द प्रोजनी ऑफ पिस्टिलेट प्लांट्स, द प्रोजनी ऑफ पिस्टिलेट प्लांट सेग्रीगेट इन 1:1 रेशियो, 1:1 रेशियो। ये 1:1 रेशियो किसका होगा? मोनोसियस का। यानी एक ऐसा प्लांट्स होगा जिसके स्पाइक्स में मेल और फीमेल दोनों का अरेंजमेंट होगा, और एक क्या होगा? सिर्फ पिस्टिलेट होगा। यानी एक ऐसा प्लांट्स होगा जिसके स्पाइक्स में सिर्फ फीमेल फ्लावर होंगे, इट्स ओके। तो जब भी ये कंडीशन आएगा, प्रोजेनी उसका सेग्रीगेट होगा, तो क्या करेंगे? सेकंड, इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन लाइन, इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन लाइन मोनोसियस प्लांट, मोनोसियस प्लांट शुड रोग आउट, उखाड़ के फेंक देंगे। जितने मोनोसियस होंगे वो ये रोग आउट कर देंगे, छाट देंगे, निकाल देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, रोग आउट टू एंश्योर पिस्टिलेट। टू गेट द सफिशियंट पिस्टिलेट, ठीक है। यानी ज्यादा से ज्यादा पिस्टिलेट या फीमेल लाइन को इंश्योर करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, ठीक है, क्या करेंगे? जितने मोनोसियस होंगे उनको उखाड़ के फेंक देंगे, निकाल देंगे, ठीक है। ये सिंपल ये हो गया एन टाइप का मैकेनिज्म। जब एन टाइप का मैकेनिज्म काम करेगा तो पिस्टिलेट फ्लावर्स ही होंगे, ठीक है। पिस्टिलेट फ्लावर होंगे तो उसका जो नेक्स्ट प्रोजेनी होगा उसको अगर हम सीड प्रोडक्शन कर सकते हैं, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में जब काम मिलाएंगे तो उससे सेग्रीगेट करेगा 1:1 के रेशियो में। जब सेग्रीगेट करेगा तो सिंपल सी बात है, कुछ मोनोसियस प्लांट देखेंगे, कुछ पिस्टिलेट। तो मोनोसियस को हम क्या करेंगे? छाट काट कर देंगे, निकाल देंगे, ठीक है, रोग आउट कर देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे, ताकि हमारा जो लाइन है फीमेल वो मेंटेन रहे, ज्यादा से ज्यादा फीमेल लाइन को मिले, ठीक है। सिंपल एन टाइप का मैकेनिज्म समझ में आ गया। एन टाइप के मैकेनिज्म में जो फीमेलनेस है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है? रिसेसिव जीन के द्वारा। जब भी रिसेसिव जीन के द्वारा कंट्रोल होगा तो उसकी प्रोजेनी में क्या होगा? सेग्रीगेशन होगा 1:1 के रेशियो में। आधे मोनोसियस होंगे और आधे फीमेल होंगे, तो आधा जो मोनोसियस होगा नेक्स्ट टाइम जब हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करेंगे तो उसमें से आधे को रोग आउट कर देंगे, सिंपल मैकेनिज्म, ठीक है। सेकंड मैकेनिज्म क्या है इसका? एस टाइप का जो मैकेनिज्म है, गवर्न बाय पॉलीजेनिक कॉम्प्लेक्स, यानी इसमें सिर्फ रिसेसिव जीन काम कर रहा था, इसमें पॉलीजेनिक कॉम्प्लेक्स यानी पॉलीजेनिक है, यानी बहुत सारे जीन काम कर रहे हैं। वो किस टाइप के हैं? कुछ डोमिनेंट जीन है, कुछ इसका डोमिनेंट का इंटरेक्शन है, कुछ
डोमिनेंट और एक्टिव का इंटरेक्शन है, कुछ एक्टिव और एक्टिव का इंटरेक्शन है, कुछ डोमिनेंट और डोमिनेंट का इंटरेक्शन है, यानी ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। ये जो इसका इसका कंट्रोल है वो एक पूरे कॉम्प्लेक्स के हाथ में, पूरे कॉम्प्लेक्स का कंट्रोल है इसमें, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है, या फिर कह सकते हैं फीमेलनेस इज, फीमेलनेस इज कंट्रोल्ड बाय पॉलीजेनिक कॉम्प्लेक्स। क्या हो रहा, डोमिनेंट एंड एपिस्टेटिक्स इफेक्ट, इफेक्ट ठीक है, एंडोमेंट और एपिस्टेटिक्स का इफेक्ट इसको कंट्रोल करता है, ठीक है, इसको एस टाइप को। ये जो एस टाइप है ये सेम होता है, सिमिलर होता है जो सेक्स रिवर्टेंट होता है। हैशटैग क्या इसमें चला लेंगे, सिमिलर टू सेक्स रिवर्टेंट। अभी हमने रिवर्टेंट पढ़ा था, सेक्स रिवर्टेंट में क्या था कि जो पिस्टिलेट फ्लावर है वो मोनोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, सेम यहाँ भी वही काम करता है। जब ये कॉम्प्लेक्स अगर काम नहीं करेगा, ये कॉम्प्लेक्स काम कर रहा है, अगर पॉलीजेनिक कॉम्प्लेक्स काम कर रहा है, यानी डोमिनेंस का इफेक्ट है, उसके इंट्रेक्शन का इफेक्ट है, तो सिंपल पिस्टिलेट फ्लावर होंगे, ठीक है। लेकिन इन केस अगर ये कॉम्प्लेक्स इसकी मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा, तो क्या होगा, ये सिमिलर हो जाएगा सेक्स रिवर्टेंट के। तो सेक्स रिवर्टेंट के जब सिमिलर होगा तो क्या होगा, सिंपल पिस्टिलेट इज रिवर्टेंट, पिस्टिलेट इज रिवर्ट इन मोनेसियस। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है उसको भी हैशटैग लगा लीजिए। जो रिवर्सन होगा, ये रिवर्टेंट जो होगा वो इरिवर्स रिवर्सिबल होगा, फिर से ये कभी भी लेटर ऑन जनरेशन में, लेटर ऑन इयर्स में, ठीक है, या फिर लेटर ऑर्डर के स्पाइक्स में ये फिर से रिवर्स नहीं होगा। जब एक बार मोनेसियस हो गया पिस्टिलेट, तो ये फिर से मोनेसियस से ना ही स्टेमिनेट होगा और ना ही एसएफ टाइप होगा, ठीक है। ये इरिवर्सिबल होता है थ्रू आउट द जनरेशन, पूरे लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। उसको ऑन्टोजेनेटिकली बोलते हैं, ऑन्टोजेनेटिक बोलते हैं, यानी पूरा लाइफ साइकिल, ठीक है। एक बार जिस स्टेट से ये रिवर्ट हो गया, तो उसके बाद जितना इसका लाइफ होगा, उस पूरे लाइफ में ये फिर से इरिवर्सिबल होगा, ये रिवर्टेड नहीं होगा, दोबारा रिवर्स नहीं होगा, ठीक है। तो कह सकते हैं सेक्स रिवर्टेंट इज सेक्स रिवर्सन इज ऑन्टोजेनेटिकली इरिवर्सिबल। यानी एक बार रिवर्स हो गया तो ऑन्टोजेनेटिकली, मतलब सिंपल होता है जिस स्टेट से थ्रू आउट द होल लाइफ कर सकते हैं, जिस स्टेट से ये रिवर्स हुआ वहां से पूरे लाइफ ये दोबारा रिवर्स नहीं होगा, ये रिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल एस टाइप का मैकेनिज्म जो है वो सेक्स रिवर्सटेंट टाइप का है, ठीक है। इसमें पॉलीजेनिक कॉम्प्लेक्स काम करता है, यानी डोमिनेंट जीन और एपिस्टेटिक्स का इफेक्ट काम करता है, जिससे ये पिस्टिलेट बरकरार होता है, फीमेलनेस कंट्रोल होता है। अगर ये पॉलीजेनिक इंट्रेक्शन ना हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेक्स रिवर्टेंट के सिमिलर हो जाएगा, जिसमें पिस्टिलेट जो है वो नॉर्मल मोनोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एक बार अगर ये मोनोसिस में कन्वर्ट हो गया, तो फिर ये ऑन्टोजेनेटिक क्या होगा, ये रिवर्सिबल होगा, ठीक है। तो सिंपल दो मैकेनिज्म हमने डिस्कस कर लिया। थर्ड वन क्या है, थर्ड वन है एन ई एस टाइप। तो हमने दो मैकेनिज्म डिस्कस कर लिया, एन टाइप एस टाइप। एन टाइप में रिसेसिव जीन गवर्निंग है, या फिर कह सकते हैं कंट्रोल बाय रिसेसिव जीन, और एस टाइप में कंट्रोल बाय पॉलीजेनिक कॉम्प्लेक्स। पॉलीजेनिक कॉम्प्लेक्स में क्या है, डोमिनेंट और एपिस्टेटिक्स का इंटरेक्शन है, ठीक है। हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एन ई एस टाइप। एन ई एस टाइप का मैकेनिज्म क्या है, ये कंट्रोल किसके द्वारा होता है, फिर गवर्न कर सकते हैं, गवर्न बाय रिसेसिव जीन, या फिर कह सकते हैं फीमेलनेस इज कंट्रोल्ड बाय, फीमेलनेस इज कंट्रोल्ड बाय रिसेसिव जीन अलोंग विथ एंड एनवायरमेंटल सेंसिटिव ISF जीन, एनवायरमेंटल सेंसिटिव ISF जीन,
आईएसएफ क्या है, इंटरस्पर्स्ड स्टेमिनल फ्लावर, ठीक है। तो ये क्या करता है, अगर ये दोनों जीन, रिसेसिव जीन और ये एनवायरमेंटल सेंसिटिव आईएसएफ जीन, अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर में काम करते हैं तो सिंपल पिछले का कंट्रोल होता है, पिछले फ्लावरिंग से होता है, ठीक है। लेकिन जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ये जो आईएसएफ जीन है ये एनवायरमेंटल सेंसिटिव होता है, ये एनवायरमेंट का इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, तो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये आईएसएफ जीन एक्टिव हो जाएगा, जब आईएसएफ जीन एक्टिव होगा तो ये इंटरस्पर्स्ड स्टेमिनल फ्लावर हो जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया था इंटरस्पर्स्ड स्टेमिनल फ्लावर में, जैसे ये स्पाइक है, ठीक है, स्पाइक में अपर पार्ट में फीमेल है और लोअर पार्ट में मेल है, लेकिन जब भी आईएसएफ काम करेगा इंटरस्पर्स तो क्या होगा, मेल का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे में हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा मेल का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे स्पाइक में हो जाएगा, ठीक है, और फीमेल का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे स्पाइक में हो जाएगा। या कह सकते हैं पिस्टिलेट टाइप हो जाएगा ये फ्लावर, लेकिन इस पिस्टिलेट फ्लावर में ही स्टेमिनेट स्टेमेंट दिखेंगे, ये कहीं कहीं पे मेल फ्लावर दिखेंगे, ठीक है, यानी ये पूरा पूरा स्टेमेंट फ्लावर हो गया, लेकिन बीच बीच में क्या दिख रहा है, मेल फ्लावर, इस टाइप का हो जाएगा। तो ये कब होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ठीक है। हैशटैग चला लेते हैं इसमें, पिस्टिलेट फ्लावर्स अकर्स, पिस्टिलेट फ्लावर्स अकर अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर, आर यू कैन से नॉर्मल टेम्परेचर, अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर, इट्स ओके। पिस्टिलेट फ्लावर्स अकर्स अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी सफिशियंट टेम्परेचर है, सफिशियंट ऑप्टिमम टेम्परेचर है, तो कैसा फ्लावर होगा, पिस्टिलेट होगा। सिंपल पिस्टिलेट का मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, तो पिस्टिलेट कंट्रोल बाय किसके कंट्रोल क्या होगा, रिसेसिव जीन एंड एनवायरमेंटल सेंसिटिव आईएसएफ जीन, इन दोनों के द्वारा कंट्रोल है। लेकिन जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा लाइन है ये चेंज हो जाएगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर में पिस्टिलेट है, ऑप्टिमम टेम्परेचर में रिसेसिव जीन और ये एनवायरमेंटल सेंसिटिव जीन दोनों है, लेकिन एनवायरमेंटल सेंसिटिव जीन वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर में सिर्फ रिसेसिव जीन वर्क कर रहा है, ये दोनों के साथ है, कंट्रोल बाय रिसेसिव जीन अलोंग विद एनवायरमेंटल सेंसिटिव आईएसएफ जीन, ये दोनों एक साथ हैं, ठीक है, लेकिन एक्सप्रेस एक ही करता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर में रिसेसिव जीन एक्सप्रेस करता है तो ये नॉर्मल पिस्टिलेट फ्लावर है। लेकिन जब भी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ मोर देन 32 डिग्री सेंटीग्रेड तो क्या करेगा, इंस्टीड ऑफ रिसेसिव जीन ये आईएसएफ जीन वर्क करने लगेगा, यानी एनवायरमेंट का असर जो ही हुआ ये एनवायरमेंट सेंसिटिव जीन एक्टिव होगा और आईएसएफ टाइप का फ्लावर बना देगा, ठीक है, स्पाइक बना देगा, क्या होगा यहाँ पे, बट इन हाई टेम्परेचर क्या होगा, मोर देन 32 डिग्री सेंटीग्रेड आईएसएफ इंटरस्पर्स्ड स्टेमिनल फ्लावर्स मोनोसियस टाइप, ये मोनोसियस ही तो है, मोनोसियस मतलब एक स्पाइक में मेल और फीमेल दोनों है, मोनोसियस टाइप है, लेकिन ये मोनोसियस जो है ये इंटरस्पर्स्ड टाइप है, ठीक है। फ्लावर्स आईएसएफ फ्लावर्स अकर्स, यानी आईएसएफ कब दिखेगा, जब हाई टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर मोर देन 32 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये इंटरस्पर्स्ड स्टेमिनेट फ्लावर हो जाएगा, स्टेमिनेट फ्लावर जो होगा बिखरा हुआ होगा बीच बीच में, ठीक है। तो सिंपल इसका कंडीशन ये हो गया। अब इसको रोकने के लिए क्या करेंगे, इस टाइप के जो मोनोसियस है इसको हम रोग आउट कर देंगे, हैशटैग चला लेते हैं, क्या होगा, अब अगर ऐसा हो गया एनवायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, तो अगर आईएसएफ टाइप के फ्लावर्स दिखने लगे, आईएसएफ टाइप के स्पाइक दिखने लगे, ठीक है, हमारे क्रॉसिंग ब्लॉक में फीमेल स्पेसिफिकली फीमेल लाइन में क्या करेंगे, वन आर टू रोगी, सफिशियंट टू गेट मोर पिस्टिलेट फ्लावर, यानी पिस्टिलेट को ज्यादा प्राप्त करने के लिए पिस्टिलेट फ्लावर्स, ठीक है, क्या करेंगे, 102 रोगिंग कर देंगे, यानी इसको निकाल निकाल के फेंक देंगे, ठीक है, पॉपुलेशन पे फीमेल लाइन से। तो ये तीन प्रकार के मैकेनिज्म है जो पिस्टिलेट के पीछे काम करते हैं, पिस्टिलेट के पीछे कौन कौन से मैकेनिज्म काम करते हैं, एन टाइप, एस टाइप और एनएस टाइप। एनएस टाइप में रिसेसिव जीन द्वारा गवर्न नहीं है, लेकिन इसके साथ एक एनवायरमेंट सेंसिटिव जीन काम करता है, ठीक है, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा एनवायरमेंट सेंसिटिव जीन वर्क करने लगेगा, एक्टिव होगा और वर्क करने लगेगा, जिससे आईएसएफ टाइप का फ्लावर हो जाएगा, इंटरस्पर्स्ड स्टेमिनेट फ्लावर, ठीक है। इंटरस्पर्स्ड मतलब होता है जो बीच बीच में
बिखरा हुआ हो और स्टेमिनेट हो जाएगा, बीच बीच में बिखरा हुआ स्टेमिनेट हो जाएगा, स्टेमिनेट फ्लावर है ना, बीच बीच में बिखरा हुआ है, तो ज्यादा ज्यादा मेल पार्ट्स में दिखेगा, फीमेल कहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये आईसेप टाइप का प्लांट्स है, स्टेमिनेट जो सिंपल पिस्टिलेट है वो आईसेप टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक मैकेनिज्म क्या था, एस टाइप जो एक पॉलीजेनिक कॉम्प्लेक्स के द्वारा गवर्निंग था, फीमेलनेस जो है वो पिस्टिलेट जो है वो एक पॉलीजेनिक कॉम्प्लेक्स के द्वारा कंट्रोल्ड है, ठीक है। तो उसमें अगर पूरा पॉलीजेनिक कॉम्प्लेक्स काम कर रहा है तो पिछले स्पाइक होगा सिंपल, लेकिन जब उस कॉम्प्लेक्स में कोई दिक्कत होगा, कॉम्प्लेक्स काम नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, वो सेक्स रिवर्टेड टाइप हो जाएगा, यानी एपिस्टेटिक्स का इफेक्ट, एपिस्टेटिक्स का इफेक्ट या फिर कह सकते हैं डोमिनेंट का इफेक्ट अगर उस काम नहीं किया तो क्या हो जाएगा, वो सेक्स रिवर्टेड टाइप हो जाएगा। जो पिछलेट है वो पिछलेट फ्लावर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मोनोसिस में, लेकिन ये कंडीशन में क्या है, ऑन्टीजेनेटिकली इरिवर्सिबल है, यानी जिस स्टेज पे कन्वर्ट होगा उसके बाद होल लाइफ ये रिवर्स नहीं होगा, ठीक है। एंड टाइप में क्या था, गवर्न बाय सिंगल रिसेसिव जीन, रिसेसिव जीन कह सकते हैं। उसमें क्या था, जो पिस्टिलेट के प्रोजेनी थे वो 1:1 के रेशियो में सेग्रीगेट हो रहे थे, ठीक है। तो जब भी सेग्रीगेशन होगा तो जो मोनोसिस टाइप का होगा उसको हम रोग आउट कर देंगे, तो सिंपल पिस्टिलेट जो है वो फीमेल में बरकरार रहेगा, फीमेल लाइन में हमारा क्रॉसिंग ग्लोब में पिस्टिलेट फ्लावर मेंटेन रहेगा, ठीक है। अब देखिए, ये तो हम अभी डिस्कस कर लिए, इसके फर्स्ट हाइब्रिड कब रिलीज हुआ था, कहाँ से रिलीज हुआ था, ठीक है। उसमें कौन कौन से पेरेंट्स इन्वॉल्व थे उसके पहले हमने देख लिया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ओरिजिन क्या है, फैमिली क्या है, इसका लोकल नाम क्या है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद इसका सेक्स एक्सप्रेशन क्या है, सेक्स एक्सप्रेशन में मोनोसिस है, पिस्टिलेट है, सेक्स रिवर्टेंट है और आईसेप टाइप है, पिस्टिलेट के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स काम कर रहे थे, उसके बाद पिस्टिलेट का मैकेनिज्म क्या है, हमने डिस्कस कर लिया। हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में सिंपल ये टू लाइन सिस्टम होता है, यानी एक मेल और एक फीमेल का क्रॉस करा देते हैं, ठीक है। जो F1 मिलता है हमारा हाइब्रिड होता है, यानी टू लाइन कर सकते हैं, टू लाइन सिस्टम, मेल इनटू फीमेल, ठीक है। ये F1 जो होगा हमारा हाइब्रिड हो गया, सिंपल टू लाइन सिस्टम का क्रॉस बनाते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। इसका रेशियो होता है 3:1 का, यानी 3 फीमेल लाइन लगाएंगे तो एक मेल लाइन लगाएंगे। ये डिपेंड करता है क्लाइमेट पे, मेल का लाइन बढ़ भी सकता है मेल, ठीक है। जैसे मान लीजिए हवा एक तरफ से है तेज, तो हम ये फीमेल का लाइन बढ़ा भी सकते हैं ताकि दूर तक जाएगा, इसके इसके पोलन के दूर तक जाकर इसको पोलिनेट कर सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मल जो होता है वो 3:1 का रेशियो होता है। तो अब हम इसका हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में लैंड प्रिपेयरिंग पढ़ लेते हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद और भी 2-3 टॉपिक है उसको हम कवर कर लेते हैं।